गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस प्लांट सेल। स्टेम ऑफ एनी प्लांट माइक्रोस्कोप कवर्स लीफ साइड ग्लिसरीन रेडिंग। दिस इज द मटेरियल रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ सॉफ्ट प्लांट। कोई भी सॉफ्ट प्लांट आप लो जिसका स्टेम कैसा हो, स्टॉफ हो, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन आपको लेना है। उसको आप काटोगे आड़ा कट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम, और उसको फिर आप क्या करोगे, उसका एक थीन पतला सा पोर्शन लोगे और उस ग्लास स्लाइड पे रखोगे, और उसके ऊपर एक सैफ्रिन का या रेड इंक का ड्रॉप डालोगे, और फिर उसके बाद दो तीन ड्रॉप ग्लिसरीन डालोगे और कवर स्लिप डाल के फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो आपको इतने सारे टिश्यूज उसमें देखने को मिलेंगे। आउटर वाला जो बार्क रहता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। ऊपर का छिलका यदि आप स्टेम का, डंडी का, प्लांट का निकालते हो तो अंदर वाला जो वाइट कलर दिखता है वो होता है ग्राउंड टिश्यू। उसके वाइट टिश्यू के अंदर में रहेगा फ्लोएम, और उसी फ्लोएम में जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है वो जाइलम है, और एकदम बीच वाला पोर्शन जिसको हम पिथ बोलते हैं। इस तरह से हमें इतने सारे टिश्यूज यानी एपिथेलियल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यू प्लांट की स्टेम में देखने को मिलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमारी प्लांट में बहुत सारे प्लांट्स आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ टिश्यू। प्लांट में जनरली चार टाइप के टिश्यू होते हैं, उसमें से पहला टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस टिश्यूज आर फाउंड एट द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, स्टेम के टिप पे और रूट के, स्टेम के टिप या रूट के आखिरी छोर पे आपको ये देखने को मिलते हैं। द सेल ऑफ दिस डिवाइड क्विकली एंड दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रूट, और ये जल्दी जल्दी डिवाइड होके बढ़ने लगते हैं, इसलिए जड़ों का और स्टेम का ग्रोथ जल्दी होता है। नेक्स्ट टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ आउटर मोस्ट लेयर, स्टेम के आउटर मोस्ट लेयर में जो टिश्यू हमें देखने को मिला उसका नाम था एपिथेलियल टिश्यू। दिस टिश्यू फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ एवरी पार्ट, जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, इस सब का आउटर कवरिंग जो है, जो हम खुली आँख से देख रहे हैं, वो होता है एपिथेलियल टिश्यू। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन दिस टिश्यूज ऑल्सो एक्सचेंज, इसके अलावा ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द प्लांट रूट हेल्प इन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सॉइल, और पानी जो है जो जमीन में आप डालते हो उसको एब्सॉर्ब करने का काम भी कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू प्लांट के हर एक पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसके अलावा कार्बन, ऑक्सीजन और वाटर वेपर का एक्सचेंज करता है, और प्लांट को क्या करता है, वाटर एब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट टिश्यू इज वास्कुलर टिश्यू। दिस टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये टिश्यू जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वी हैव डन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम। प्लांट हैव टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यू। प्लांट में दो टाइप के वास्कुलर टिश्यूज देखने को मिलते हैं। वन टाइप कैरीज वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम रूट टू लीव्स। एक टिश्यू जो है वो पानी और मिनरल्स को रूट से उसकी लीव्स तक ले जाता है, और उसका नाम है जाइलम। अनदर टाइप ऑफ वास्कुलर टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और दूसरा जो टिश्यू है जिसका नाम है फ्लोएम, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट द फूड एंड मैन्युफैक्चर्ड जो लीफ में फूड बन गया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, उसको डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम क्या कौन करता है, वास्कुलर फ्लोएम टिश्यू। जनरली जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड इन ग्रुप कॉल्ड वास्कुलर बंडल, और ये दोनों टिश्यू जो है ग्रुप में देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं वास्कुलर बंडल। नेक्स्ट टिश्यू इज ग्राउंड टिश्यू। दिस टिश्यू हैज़
being shown just inside the outermost dermal layer. ऊपर के लेयर के जस्ट नीचे वाला जो टिश्यू लेयर है उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू. इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. ये प्लांट को सपोर्ट देता है. इन लीव्स इट मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. और जब ये टिश्यू ग्राउंड टिश्यू लीव्स में देखता है तो वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो स्टोर फूड. और फूड को स्टोर भी करने का काम करता है जब ये रूट में देखने को मिलता है. पिथ इज अ ग्राउंड टिश्यू. पिथ एक क्या है, ग्राउंड टिश्यू है, मतलब रूट में है तो वो फूड को स्टोर करेगा, लीव्स में है तो वो क्या करेगा, फूड को प्रिपेयर करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा. राइट द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द टिश्यू फाउंड इन प्लांट. आपको क्या करना है, सारे फंक्शंस जो भी अंडरलाइन पोर्शन दिया हुआ है यहाँ से आप स्टार्ट करोगे. प्लांट मेनली कंटेन, और जितना पोर्शन अंडरलाइन किया हुआ है दोनों इसमें, दिस इज योर आंसर नंबर टू. ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर वन, पूरा लिखोगे. व्हाट आर वास्कुलर बंडल एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंस फॉर प्लांट. वास्कुलर बंडल क्या है, इसको भी हमने अंडरलाइन किया है, मैं अलग कलर से कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो. ठीक, ये वास्कुलर बंडल क्या है, जनरली झाइलेम एंड फ्लोएम फाउंड इन ग्रुप कॉल्ड वास्कुलर बंडल. ये है आपका आंसर नंबर टू. व्हाट इज इम्पोर्टेंस फॉर प्लांट, तो इम्पोर्टेंस यानी फंक्शन है, पूरा वास्कुलर टिश्यू आप लिखोगे, ये होगा आंसर नंबर टू. राइट सेल विल बी बिगर दैट फ्रॉम एन एलिफेंट्स बॉडी और दैट फ्रॉम ऑफ एंट्स बॉडी. कौन सा सेल बड़ा रहेगा, एंट का या एलिफेंट का, तो सेल दोनों ही छोटे ही रहेंगे बट नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. इसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है. इसका आंसर यहां से आप लिखना. यूजुअली सेल्स ऑफ लार्ज एनिमल्स एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर टू देज ऑफ स्मॉलर एनिमल बट द नंबर ऑफ सेल लार्ज. ये आपका आंसर नंबर फोर और थर्ड जो भी है आप देख लेना, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है वो फोर. ठीक, इन दिस वे यू राइट डाउन आंसर्स ऑफ दिस फोर थ्री क्वेश्चंस इन योर कॉपी. देन वी विल स्टडी एनिमल टिश्यू. फिर हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज को. क्लियर.